पोल आर डूइंग वेरी वेल। सुबह के करीब 7 बज रहा है और मेरा वर्कशॉप आज शुरू हुआ था 6 बजे से। सुबह उठ के मैं पहले तो अपन के लिए टिफिन रेडी कर दिया था क्योंकि उनको जल्दी ऑफिस जाना है। इसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया और आदि का खाना नहीं बनाया है, अभी आदि के लिए खाना बनाऊंगी। आदि के लिए रागी बनाऊंगी। यहाँ पे 3 डेट्स मैंने लिया है, उसमें से शीर्ष निकाल के उसको 10-15 मिनट के लिए पानी पे भिगो के रखूँगी। मैंने यहाँ पे चीनी के बदले डेट्स यूज किया है क्योंकि डेट्स बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड दूसरे साइड मैंने गैस में कढ़ाई बिठा दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। और ऐसे रागी पैकेट इंडिया में मिलता है रुचि ब्रांड का, मैं बहुत सारे पैकेट ऐसे लेके आई हूँ यूके इंडिया से। स्पून के हिसाब से मैंने 5 स्पून लिया है। देन इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरह वाटर में और ये लास्ट पे फूल के इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप आपके बच्चे के फूड के हिसाब से रागी पाउडर यूज कीजिए। जो भिगो के रखी थी डेट्स उसको पेस्ट बना के उसके अच्छी तरह से सिरप बन गया है और इसको मैंने रागी पे ऐड कर दिया और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। रागी मेरा रेडी हो गया है, इसका ठंडा होने छोड़ देती हूँ। इसके अंदर आदि को उठा के ब्रश करवा लेती हूँ, उसके अंदर ये ठंडा हो जाएगा, देन इसको खिलाऊंगी। आदि के लिए मैं लवलप का टूथपेस्ट यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये फ्रूट फ्लेवर का है। बहुत टाइम बच्चे इंटेक कर लेते हैं पेस्ट, इसलिए क्लोराइड फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं इंडिया में भी यूज कर रही थी आदि के लिए, देन यूके भी लेके आई हूँ, बट ये ख़त्म होने वाला है, अल्टरनेटिव कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया पे लवलप टूथपेस्ट का 50 ग्राम एंड 100 ग्राम का पैक मिलता है और ऑनलाइन मिल जाता है अमेजन में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें से जाके परचेज कर सकते हैं। आधे ब्रश करने का टाइम सारा पेस्ट खा जाता है, थोड़ा बहुत जो बचता है उसमें से ही उसको ब्रश करवाती हूँ। एंड छोटे बच्चे का इतना रूटीन होता है कि कुछ खाना भी नहीं बनाओ तो देन ऑल्सो एंड ऑफ द डे टायर्ड हो जाती हूँ। आदि को खिलाने के बाद आ गई हूँ किचन पे खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेड मैंने गरम कर लिया है, देन बटर, जाम और मेयोनीज ऐड करके, और स्टफिंग मैंने सुबह तपन के लिए बनाया था उसमें से ज़्यादा बना लिया था, उसको रख दिया था, देन उसको डाल दूँगी। बस रेडी हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, इसलिए जब मैं खुद के लिए सैंडविच बनाती हूँ मैं एक साइड मेयोनीज एंड दूसरे साइड जाम ऐड कर देती हूँ, बट तपन को वो पसंद नहीं है, तपन सिर्फ मेयोनीज ही डालते हैं उनके सैंडविच पे। एंड देन यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग बना के रखी थी उसको ऐड कर दिया, देन ऊपर से मेयोनीज वाला ब्रेड ऐड कर दूँगी। आजकल मरीसन में ऐसे टोकरी पे ऑरेंज मिल रहा है, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ऐसे टोकरी पता नहीं किस में है, शायद बाम्बो में, और इसमें जो ऑरेंज है वो पत्ते के साथ मिलता है और ये ऑरेंज बहुत ही जूसी है। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया है एंड इसको ले जा रही हूँ, बस सोफे पे बैठ के आराम से खाऊंगी। एंड जब भी मैं खाना खाती हूँ आदि के सामने ही खाती हूँ क्योंकि वो देख के उसको इंटरेस्ट आए खाने के ऊपर, बट उसका कभी भी इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से।
एंड अभी भी इंटरेस्ट नहीं है उसे। फ्लावर प्लांट लेके आई हूँ पूजा करने के लिए, फूल नहीं मिल रहा है। सोचा कि ये प्लांट लगा लूँगी, थोड़ा बहुत तो फूल मिल जाएगा। और इसका पत्ते बहुत मोटा मोटा है, पता नहीं ये इंडिया पे मिलता है या नहीं। एंड ये प्लांट एक क्यूट बॉकेट के अंदर है। ये बॉकेट तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, छोटा सा क्यूट। एंड उसके अंदर और एक प्लास्टिक है। व्हिच वन यू वांट? उसको कैरेट बहुत पसंद है, पूरा कैरेट मुंह में डाल दिया है। और एंड कुछ टाइम के बाद देखिए सारा फ्लोर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके गिराया है। उसको खाना नहीं है, बस मुंह पे डाल के ऐसे गिराता रहता है। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन पे, आदि के लिए खिचड़ी बनाऊँगी। और जो सब्जी है बीन्स गोभी एंड गाजर, उसको थोड़ा कट कर लूँगी। और मेरे लिए राइस एंड सब्जी है कल का, वो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ आदि के लिए खिचड़ी ही बना दूँगी। सारे वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिया है, देन राइस पे ऐड कर दिया दाल। दाल एंड राइस मिक्स कर लिया है, इसको धो के डाल दूंगी। एंड आदि के लिए मैं कोई स्पेसिफिक दाल नहीं यूज करती हूँ, कभी तूर दाल, मूंग दाल, नहीं तो चना दाल, नहीं तो सारे दाल को मिक्स करके ही देती हूँ। एंड इस खिचड़ी पे मैंने ऑयल के बदले बटर यूज कर रही हूँ। आदि का मॉर्निंग का काम बहुत होता है कंपैरेटिव टू इवनिंग, क्योंकि सुबह सुबह उसको ब्रश करवाना, खिलाना, ऑयल मसाज, नहलाना, बहुत सारे काम। बट इवनिंग को सिर्फ खिलाना है और वो खेलता है, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना है। एंड जब तपन रहते हैं तो मुझे बहुत ही हेल्प मिल जाता है, कुछ तो नहलाना के टाइम हेल्प कर देते हैं, नहीं तो ब्रश करवा देते। बट जब भी मैं अकेले रहती हूँ ना, पूरा दिन उसके पीछे भाग भाग के पूरा टायर्ड हो जाती हूँ। आदि को नहाने से पहले प्रॉपर तरीके से ऑयल मसाज तपन करवाते हैं। जब भी वो ऑयल मसाज कराते हैं, हाफ एन आवर लेते हैं एंड सारे मसल को प्रेस कर करके मसाज करते हैं। बट मैं जब भी करवाती हूँ फटाफट से कर लेती हूँ, एंड जिस दिन मेरे पास टाइम होता है उस दिन हाँ ठीक से मसाज करती हूँ। फिर भी वीकली एक दो बार तो ठीक ठाक मसाज कर ही लेती हूँ। देन यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, इतना ठंड है कि दो बार मॉइस्चराइज़र लगाने से भी कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर भी बेबी का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, विंटर हो या समर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। खिचड़ी मेरा रेडी हो गया है। एंड आदि के लिए जब भी खिचड़ी बनाती हूँ थोड़ा सॉफ्ट एंड गीला वाला बनाती हूँ, बट आज गीला नहीं हुआ है, ड्राई हो गया है। बट राइस सॉफ्ट है इसलिए मैंने दोबारा पानी नहीं डाल के ऐसे निकाल दिया है। एंड इसको ठंडा कर देती हूँ।
बच्चों को खिलाना सबसे बड़ा टफ काम होता है। एंड मुझे तो आदि को खिलाने में 40 मिनट्स नहीं तो 1 आवर लग ही जाता है। कभी कभी एक बाइट ले लेता है, कभी नहीं लेगा, फिर 2-4 बाइट लेके इधर उधर घूमता रहता है। पता नहीं जो बच्चा साथ दे देता है, मतलब खाने में इंटरेस्ट है, खा लेता है, वो सही है। बट आदि तो उसका तो इंटरेस्ट नहीं है खाने में, वो इसलिए इधर उधर भागता है, मैं उसके पीछे भागती हूँ। फिर कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, ऐसे ही चलता है इनका। बच्चों को खिलाओ, फिर लास्ट बाइट पे जब उल्टी कर देते हैं ना, इतना लगता है, इतने पेशेंस के साथ खिलाओ, फिर उल्टी कर दिया, दोबारा से खिलाओ, बहुत लगता है। एंड इसका खाना तो ऐसे चलता रहेगा बहुत टाइम, बट मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंड न्यूली जो विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना। एंड मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।